तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पोर्टल से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है, जिस लड़की का नाम मैंगलेन होता है, जिसे देखकर वह डक एक इंसान में बदल जाता है, जिसके बाद वे दोनों गले लगते हैं। फिर मैंगनेल कहती है कि बहुत साल बीत गए पर मुझे यकीन था कि हम दोनों जरूर मिलेंगे, जिसके बाद जूली बताती है कि ये दोनों लवर्स थे जो बहुत साल पहले बिछड़ गए थे, जिसके बाद एलेक्स देखता है कि मैंगलेन ने भी जूली के जैसे इयररिंग पहनी हुई है। फिर जब एलेक्स जूली को देखता है तो वह शर्मा जाती है क्योंकि बहुत साल पहले एलेक्स ने उसकी इयररिंग चुरा ली थी। फिर मैंगलेन बताती है कि बहुत साल पहले वह एक माउंटेन पर कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन उससे कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसकी जान जाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ फैंग आ जाता है जो उसकी जान बचा लेता है, जिसके बाद हम दोनों के बीच में प्यार हो गया और हम दोनों साथ रहने लगी। ये बात मेरे फादर को पसंद नहीं आई और उसने मेरी शादी जिंग फैंग फैमिली के साथ तय कर दी, लेकिन हम दोनों एक फॉर्मेशन बनाकर वहाँ से भाग गए। लेकिन तभी मेरे फादर और मेरे भाइयों ने हम पर हमला कर दिया, जिससे फैंग लड़ने लगा, लेकिन वह माउंटेन से नीचे गिर गया, जिसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे वहाँ से ले गए, जिसके बाद हम दोनों आज मिल रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मैंगनेल फैंग को अपनी इयररिंग्स देती है क्योंकि वह उसके सामने होता है। फिर फैंग कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ, अगर तुम ना होती तो मैं कब का मर गया होता, जिसके बाद जिन कहता है कि जूली की शादी मेरे क्लैन से होने वाली है और अब हमें यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए, जिसके बाद मैंगलेन एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास क्रिस्टल्स इयररिंग्स है। फिर अभी हमें यहाँ पे बताया जाता है कि क्रिस्टल्स इयररिंग बहुत पावरफुल इयररिंग्स होती है जो अपने लवर्स को दिया जाता है, और ये इयररिंग्स बस हेवेनली प्रेबेलियम की लड़कियों के पास होती है जो सिर्फ अपने लवर्स को देती है। फिर एलेक्स अपनी जेब से जूली की वही इयररिंग बाहर निकालता है, जिसे देखकर जिन भी शॉक हो जाता है। जूली कहती है कि यह रिंग मैंने एलेक्स को नहीं दी, एलेक्स ने मुझसे यह चुरा ली थी। हम देखते हैं कि वो पोर्टल बंद होने वाला था, इसलिए मैंगलेन फैंग और वह एल्डर उसमें चले जाते हैं। इसके बाद वे लोग वहाँ से जाने के वक्त सबको गुड बाय कहते हैं। इसके बाद वहाँ पे एलेक्स और जूली सिर्फ बची हुई थी, जिस पर जूली कहती है कि अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि इस पोर्टल की खुलने की न्यूज हर जगह फैल गई होगी। एलेक्स कहता है कि मुझे अपने अभी फैमिली को ढूंढनी है, जिस पर जूली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बाद एलेक्स कहता है कि सच में तुम मेरी बीवी नहीं बनना चाहती हूँ, जिस बात को सुनकर जूली शर्मा जाती है और वहाँ से भागकर फॉर्मेशन के पास जाती है। फिर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है तभी वह एलेक्स से कहती है कि तुम मेरी रिंग का ख्याल रखना, के बाद वह उसी पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर अपनी फैमिली के पास चली जाती है, जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन भी उससे उस पोर्टल से जाने के लिए पूछता है, जिस पर एलेक्स उसे जाने देता है। जिन भी उस पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर अपनी फैमिली के पास चला जाता है, के बाद वह जाने वक्त अपनी फैमिली का एक फैदर देता है। अब एलेक्स भी अपने फैमिली को ढूंढना शुरू कर देता है, लायन को भी उसके क्लैन भेज देता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एलेक्स अपने फ्लाइंग पेपर पर बैठकर कहीं जा रहा होता है और जाते जाते अपने बालों वाले ट्रेजर से बात कर रहा होता है, तभी पहाड़ के बीच से एक बहुत बड़ा सा हाथ बाहर आता है जिसमें बहुत सारी एनर्जी होती है और वह आसपास के लोगों पर अटैक करने लगती है। फिर वह एनर्जी लोगों को अपने कंट्रोल में करने लगती है, यानी कि वे लोगों को हिप्नोटाइज करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक बहुत बड़ी रेड पेल बाहर आती है और जो लोगों को अपने अंदर खींचने लगती है। तभी आसमान में से एक पोर्टल और खुलता है जिसमें से रिकार्नेशन डिस्क बाहर आती है और वह डिस्क एक फॉर्मेशन बनाकर सब लोगों को अपने अंदर कैद कर लेती है। अब एलेक्स को लूसेन की बात याद आती है और वो सोचता है कि लूसेन जिस खतरे के बारे में बात कर रहे थे वह यही खतरा है और वह आ गई है। फिर एलेक्स देखता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से बहुत बड़े बड़े चेन बाहर आते हैं जो सभी लोगों पर अटैक करने लगती है ताकि वो उन लोगों को पकड़ के पोर्टल में खींच सके। तभी एलेक्स देखता है कि वह चेन उस पर भी अटैक करती है, तभी एलेक्स उससे बचता है और वहीं पर एक शील्ड बनाकर उस अटैक से बचता है। इधर एक ड्रैगन उस चेन से लड़ने के लिए आती है पर चेन उस पर भी हमला करता है और उस ड्रैगन को जकड़ लेता है। कुछ लोग देखते हैं कि ड्रैगन उसके के लिए लड़ रहा है, इसलिए वह ड्रैगन को अपने पावर देने लगते हैं, जिसके बाद ड्रैगन उस पोर्टल पे बहुत सारे आग के गोले फेंकता है।
अटैक की वजह से उस फॉर्मेशन में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से सारी चेन गायब हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उस फॉर्मेशन में से और भी ज्यादा पावरफुल चेन बाहर आती है जो पिछली चेन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके बाद वह चेन फिर से उस ड्रैगन पर हमला करता है। इस बार वह ड्रैगन उससे नहीं बच पाता है और वह चेन उसे उस पोर्टल में खींच लेती है, जिसके बाद उसमें से और भी बहुत सारे चेन बाहर आते हैं और बाकी लोगों पर भी हमला करने लगते हैं। इधर मॉन्स्टर और कुछ लोग मिलकर उस चेन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन चेन बहुत शक्तिशाली होती है और वह उसके सामने नहीं टिक पाते हैं, जिसके बाद वह उन सब लोगों को पकड़कर पोर्टल के अंदर भेज रही होती है। अब यह सब देखकर एलेक्स भी बहुत हैरान होता है और उसे लुसेन की बात याद आती है जो कि लुसेन ने उसे बताई थी। लुसेन ने एलेक्स को बताया था कि इस दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है जो जल्द ही दुनिया के 90% कल्टीवेटर को अपने अंदर खींच लेगी, जिसके बाद सिर्फ 10% कल्टीवेटर ही बचेंगे जो कि स्ट्रांग होंगे। एलेक्स ये सब देखकर काफी हैरान था क्योंकि उसने इन सब बातों को सीरियसली नहीं लिया था और ये सब सच में उसके सामने हो रहा था। फिर एलेक्स सोचता है कि अब इसे रोकना होगा, फिर वह अपनी पावर का यूज करता है, जिसके बाद वह एक फॉर्मेशन बनाता है जिसमें से बहुत सारे बीस्ट बाहर निकलते हैं और उसमें से एक बहुत बड़ा ड्रैगन भी बाहर निकलता है जो कि उस पोर्टल पर अटैक कर देता है और इसी तरह ये एपिसोड खत्म हो जाता है।